हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ आरती। दरअसल आज अपने इस खास पेशकश में हम आपसे बात करने वाले हैं आसिम रियाज को लेकर। ये तो हम सभी जानते हैं कि बिग बॉस के घर में आने से पहले हम में से कोई भी ऐसा हो जो आसिम रियाज को जानता हो, लेकिन आज की बात की जाए तो ऐसा कोई नहीं होगा जो आसिम रियाज के नाम को ना जानता हो। भले ही सिद्धार्थ शुक्ला ने ट्रॉफी जीत ली हो, लेकिन जनता का ये मानना है कि दिल तो आसिम रियाज ने ही जीता है। आसिम रियाज ने जिस तरीके से घर के अंदर गेम खेला उसे काफी ज्यादा पसंद किया गया और फैंस ने तो खुद का विनर आसिम रियाज को ही बनाया। कई फैंस ने आसिम रियाज के लिए कई तरह के केक्स भी कट किए, जिसमें उन्होंने हैशटैग पब्लिक का विनर जो है वो आसिम रियाज को घोषित कर दिया। अब भले ही सीजन के लिए ट्रॉफी जीती हो सिद्धार्थ शुक्ला ने, दिल तो आसिम रियाज ने जीता, ऐसा लोगों का कहना है। और एक बार फिर से आसिम रियाज को बड़ी ही अच्छी गुड न्यूज मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, बता दें आपको, जैसे कि हम सभी जानते हैं, आसिम रियाज जब घर के अंदर थे तब उस दौरान ही काफी बड़ी बड़ी पर्सनालिटी ने आसिम रियाज का सपोर्ट किया। टीवी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने आसिम रियाज का सपोर्ट किया, बॉलीवुड से जुड़े लोगों ने आसिम रियाज के प्रति अपने रिएक्शन दिए, तो वहीं हॉलीवुड के लोग भी आसिम रियाज को सपोर्ट करते हुए नजर आए। जॉन सीना ने जो पोस्ट किया वो तो हर किसी को पता है। वहीं फास्ट एंड फ्यूरियस वालों ने भी आसिम रियाज का नाम अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए इस्तेमाल किया, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। चलिए फिर आपको अपने इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि क्या कुछ और बड़ी गुड न्यूज आसिम रियाज को इस समय मिलते हुए दिखाई पड़ रही है। बिग बॉस के इतिहास में आसिम रियाज जैसा शायद ही कोई रहा हो। जी हाँ, एक ऐसी पर्सनालिटी थे आसिम रियाज जिसे घर में आने से पहले तो कोई नहीं जानता था, लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा तो देखिए, ना केवल आज इन्हें बॉलीवुड में पहचान मिली, टीवी इंडस्ट्री में पहचान मिली, बल्कि इन्हें इंटरनेशनली तौर पर भी काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, बिग बॉस के दौरान जॉन सीना ने खुद आसिम रियाज की दो फोटोज को शेयर किया था और उसके बाद फास्ट एंड फ्यूरियस 9 की टीम ने अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए आसिम रियाज का नाम इस्तेमाल किया था। दरअसल एक बार फिर से आसिम रियाज के घर एक और बड़ी गुड न्यूज ये आ चुकी है कि आपको बता दें, आसिम रियाज जिन्होंने बिग बॉस के घर में एक रैप गाया था, उस रैप को बाहर काफी लोगों ने पसंद किया। वहीं कन्नड़ रैपर रोच किल्ला, जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं, रोच किल्ला ने आसिम रियाज के उन लिरिक्स को उठाकर एक रैप तैयार किया गया था, जिसमें वो आसिम रियाज को वन मैन आर्मी भी बताते हैं। आसिम रियाज की लाइंस को उठा के जो रैप इन्होंने आसिम रियाज के लिए तैयार किया वो बता दें आपको, इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। ना केवल फैंस को ये गाना पसंद आया है, बल्कि आसिम रियाज को भी ये गाना काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। और वो कैसे, ये भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल अभी आसिम अपने फैंस से लाइव आकर बात कर रहे थे और इस लाइव आने के दौरान आसिम रियाज इस गाने का जिक्र भी करते हैं और साथ ही साथ रोच किल्ला को शुक्रिया अदा भी करते हैं, इस गाने के लिए उन्हें काफी ज्यादा थैंक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आप कमेंट्स में देख पा रहे होंगे कि कैसे इस गाने को काफी ज्यादा दर्शकों का प्यार मिल रहा है। लोगों का भी ये मानना है कि आसिम रियाज जो है वो किंग है, आसिम रियाज वन मैन आर्मी है और इस गाने को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है, ना केवल फैंस के द्वारा बल्कि आसिम रियाज को भी ये गाना पूरी तरीके से पसंद आ चुका है। अब ये तो मानना होगा कि आसिम रियाज इंटरनेट पर भी धमाल मचाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आसिम रियाज को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। दरअसल अब ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि आसिम रियाज जो है वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हैं, बॉलीवुड में उनका कमबैक हो सकता है, बॉलीवुड में वो आ सकते हैं। और अब आपको ये भी बता दें कि इंटरनेट पर वो काफी ज्यादा धमाल मचा रहे हैं। जो गाना कन्नड़
रैपर ने उनके लिए गाया रोच किल्ला ने, वो काफी ज्यादा फेमस होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस गाने को लेकर आपका क्या रिएक्शन है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ विनर यानी कि पब्लिक का विनर आसिम रियाज के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की और खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज को।